अवैध शराब कारोबारियों पर आबकारी विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन। रायबरेली आबकारी आयुक्त व जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में आगामी त्योहार हो 9 वर्ष के दस दिवस चलाए जा रहे विशेष परिवर्तन अभियान के अंतर्गत आबकारी निरीक्षक सदर अजय कुमार की संयुक्त टीम द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मधोकर के ग्राम कबूलियन में अवैध शराब बनाने वालों के घरों व आसपास के जंगलों खेतों पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान लगभग 60 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। 10 क्विंटल महुआ लहन मौके पर नष्ट किया गया तथा 2 अभियोग आबकारी अधिनियम की धाराओं में पंजीकृत करते हुए 2 अभियुक्तों को जेल भेजा गया। साथ ही देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानों पर निरीक्षण किया गया। स्टॉक की चेकिंग की गई। QR कोड की जांच की गई। जांच के दौरान कोई अनियमितता नहीं पाई गई। सरकारी दुकान चला रहे विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि कोविड-19 का पालन करते हुए शराब की बिक्री करें। रिटेल दुकानों पर भीड़ जमा न होने दें। बैठकर पीने पिलाने की व्यवस्थाओं को लेकर कड़े निर्देश देते हुए सख्त निर्देश भी दिए हैं कि अगर रिटेल की दुकानों पर बैठाकर शराब पिलाते हुए किसी की दुकान पर व्यवस्था की गई तो उसके लाइसेंस के निरस्तीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा, अन्यथा इस प्रकार की कोई व्यवस्था दुकानों पर ना। साथ ही क्षेत्रीय लोगों को नकली सस्ती मुद्रा से दूर रहने, वक्त सेवन से जन स्वास्थ्य को होने वाली हानियों के प्रति जागरूक किया गया तथा गांव के आसपास किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब बनाने या बेचने का काम करने वाले लोगों के सूचना देने वाले का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। जिले में अवैध शराब के निर्माण व बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु निरंतर कार्यवाही भी आगे जारी रहेगी। रायबरेली से राजकुमार की रिपोर्ट। सर, विशेष अभियान में क्या कार्रवाई की गई? अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्यवाही के क्रम में आज हम लोग कबूलियों के पूर्वा में दबिश दिए। यहाँ पर मौके पर 2 लोग कच्ची शराब बनाते हुए पकड़े गए। 10 क्विंटल लहन पकड़ी गई है, 60 लीटर कच्ची शराब पकड़ी गई। जो लोग पकड़े गए उनके खिलाफ धारा 60(2) के अंतर्गत कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। आगे ये अभियान चलाया जाता रहेगा। मौके पाई गई 2 भट्टियाँ भी तोड़ी गई हैं और जो भी पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई नियमानुसार सख्त की जाएगी।